सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एकांत मूर्ख के लिए कैद खाना ही ज्ञानी के लिए स्वर्ग होता है। फिकर में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलाओगे। जमाने में अगर आप सच्चे हैं तो भले आज आपसे कोई दूर रहे, कल बहुत से आएंगे। अंधकार के बिना तो तारे भी नहीं चमकते, तो परेशान क्यों होते हो? आज का पंचांग 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, शाम 7:06 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 9:16 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:50 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:53 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। मेष राशि 30 सितंबर 2024 दिन सोमवार, आपको आज बहुत सारी गलत जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए औरों की सुनने और मानने की बजाय अपने आप सोच समझकर फैसले लेना अधिक उपयुक्त रहेगा। अपने तरीके और अपने नजरिए के आधार पर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक फैसला ले पाएंगे। आपको छुट्टी जल्द ही मिलने वाली है। कोई बड़ी खरीद अभी आपके दिमाग में है या घर की मरम्मत या नवीनीकरण भी हो सकती है। घरेलू मामले आपके लिए मायने रखते हैं और आपको इनसे शांति मिलेगी। आपका अपने माता पिता के साथ वित्तीय धार्मिक मामलों पर मतभेद होगा। पारिवारिक मतभेद को भुलाकर अपने काम पर ध्यान दें। वित्तीय मामलों और अन्य सांसारिक मामलों की तुलना में लोगों से जुड़े मामले आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। अपने संकल्प शक्ति, खोजपूर्ण और रोमांटिक विचारों को प्रोत्साहित करें। दूसरों को अपने प्यार और जुनून से खुश रखें। अपनी समस्याओं के गुलाम ना बने बल्कि अपने भाग्य के निर्माता खुद बने। चंद्रमा के गोचर आपकी लव लाइफ और फैमिली लाइफ के लिए शुभ फलदायी है। आपको आज व्यापार में खूब लाभ होगा। लंबे समय से रुका हुआ आपका काम आज पूरा हो सकता है। बिजनेस में आज कमाई आपकी अच्छी रहेगी। घर के जरूरी काम को पूरा करने के लिए आपको दोस्तों और सगे संबंधियों से मदद मिल सकती है। आप आज घर की व्यवस्था और वाहन के रखरखाव पर धन खर्च कर सकते हैं। नौकरी में आपके प्रयास बेहतर रहेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे। आपको किसी काम को लेकर बाहर जाना पड़ सकता है और परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है। आप कुछ टेंशन में भी रहेंगे जिस कारण आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा, जिससे आपके जीवन साथी से आपके बेवजह के वाद विवाद हो सकता है। उसमें आपको थोड़ा शांत रहने की आवश्यकता है। व्यवस्थित दिनचर्या रहेगी, आसानी से कार्य संपन्न होते जाएंगे। अगर संतान के भविष्य को लेकर कोई योजना बना रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का आज अनुकूल समय है। कुछ नजदीकी अथवा दूर दराज की यात्राएं होने के योग भी बन रहे हैं। संबंधियों से सुखद मुलाकात भी होगी। शांति बनाए रखें, दुष्टों की बातों के कारण चिड़चिड़ापन रहेगा। काम में स्पष्टता होने से आत्मविश्वास बना रहेगा, इस कारण भविष्य से संबंधित योजना पर काम करेंगे। निजी भविष्य से जुड़ी बातों पर ध्यान देते हुए काम करें। काम से संबंधित प्रसन्नता बनी रहेगी और लोगों से तारीफ भी मिलेगी, इस कारण बड़े से टारगेट हासिल करने का जज्बा बढ़ेगा। पार्टनर की मदद से महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय सकारात्मकता बनी रहेगी। पेट की जलन भी तकलीफ का कारण बन सकती है, ख्याल रखें। दिन की शुरुआत में परेशानी समाप्त होगी, आय उत्तम बनी रहेगी और समस्याओं का निदान होगा। दोपहर से बेहतर महसूस करेंगे, समय अनुसार कार्य होने लगेंगे, समक्षों से बेहतर काम कर पाएंगे, प्रशंसा की प्राप्ति होगी, संतान से खुशी प्राप्त होगी और आय भी बढ़ेगी। खुशी प्रदान करने वाला समाचार भी मिल सकता है। सावधानियां, किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपनी मनोस्थिति पर काबू रखें, इसकी वजह से आपके बनते काम बिगड़ भी सकते हैं। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। अगर भूमि अथवा वाहन खरीदने की योजना है तो अपनी सामर्थ्य से ज्यादा कर्ज ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक व्यवस्था से संबंधित किसी भी कार्य को करने से पहले घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। प्रेम संबंधों के मामलों में आप खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। आप आज मिलने वाले हर आदमी के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि
उनमें से हर एक आपके लिए परफेक्ट पार्टनर साबित हो सकता है। पहली नजर के आकर्षण को प्यार कहना काफी जल्दबाजी होगी। एक कदम पीछे हटे और यह देखने और सोचने की कोशिश करें कि अगर आप इस आदमी के साथ जिंदगी बिताएंगे तो अब स्थिति क्या है और भविष्य में इस संबंध में क्या होने की संभावना है। आपके रोमांस की शुरुआत है और अभी आपके मन में केवल एक ही नाम है और वो है अपने साथी का। रिश्तों और निवास स्थान पर आप शांति महसूस कर रहे हैं। साथी के साथ वाकचाट, छोटी छोटी शरारतें या चुलबुली बातों से जीवन में मिठास आएगी। आज आप संसारिक मामलों की जगह लोगों से बातचीत में अधिक व्यस्त रहेंगे। अपने लवर के साथ रहना आज आपकी सबसे बड़ी इच्छा है। अपनी चाहत की अभिव्यक्ति करके अपने साथी को रिझाएं। ऐसे आपको वो पल मिलेंगे जो आपकी भावनाओं और जिंदगी दोनों में चार चांद लगा देंगे। बात करते हैं करियर की। आपके लिए दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। अपने गुणों के कारण आप सबके आकर्षण का केंद्र बनेंगे। अचल संपत्ति, वाहन और धन अभी आपकी प्राथमिकता हो सकती है। माँ या माँ की तरह की स्त्री को आपकी केयर या देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। जुए और सट्टेबाजी से दूर रहें। आज धन और कीमती चीजों की तुलना में प्रियजन आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अपने प्रेमी के साथ भी समय बिताएं। सुस्ती के कारण आप उदासीन और बोरिंग महसूस कर सकती हैं। दूसरों का ख्याल रखें और यह सुनिश्चित करें कि वो हमेशा खुश रहे। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो सफलता और असफलता के बारे में नहीं जान पाएंगी। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद ना देख पाएं और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपनी प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपको सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। बिजनेस में सरकारी काम बिना रुकावट पूरा हो जाएगा। आपके बाकी काम भी सुचारू रूप से पूरे हो जाएंगे। युवाओं की प्रतिस्पर्धा संबंधित कार्यों को करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। सरकारी सेवारत लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय विशेष ध्यान रखना होगा। दबाव में आए बिना कार्य करना होगा। लक्ष्य पूरे करने की कोशिश करें। हर कार्य के लिए बार बार प्रयास करने होंगे। देरी होगी किंतु प्रयास सफल होंगे। विवादों से दूर रहें और धैर्य का सहारा लें। प्रयास सफल होंगे। आय में वृद्धि होने के साथ सहयोग की प्राप्ति होगी। भूमि भवन संबंधित निवेश को टालें। बात करते हैं सेहत की। आज आप काफी आवेग में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी अपवाद नहीं होंगी। इसी के चलते आज आप अपनी एक्सरसाइज कार्यक्रम के दौरान सामान्य से अधिक मेहनत करेंगे। इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपकी किसी मांसपेशी में खिंचाव ना आ जाए या आप अधिक थक ना जाएं। सारा मानसिक तनाव धुल जाएगा। आप ऊर्जा से भरे और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार पाएंगे। आज का उपाय, गरीबों को आज दान पुण्य करें, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।